हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। भैया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी 2024 में हम कौन सी उन सब्जियों को लगाएं भैया, जिसकी आगे चल के हमें बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ हमको प्रॉफिट भी कमा कर दे पाए। क्योंकि भैया, काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं हो पाती है कि हमें कौन सी सब्जियों का कब चयन करना चाहिए भैया, कौन से महीने में हम कौन सी सब्जियों को लगाएँ जिसकी हमें मंडियों में पकड़ ज़्यादा देखने के लिए मिल पाए, तो जिससे हमको मोटा पैसा कमाने के लिए भी साथ में मिल पाए। वहीं पे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो हमारी इस वीडियो को लगातार बराबर देखते रहते हैं। जितनी भी हम वीडियो डालते हैं वो टाइम टाइम पर इस वीडियो को देख लेते हैं, तो वो किसान भाई हमारे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हम भैया समय से पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आपको आने वाले टाइम पर कौन से महीने में आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना होगा। क्योंकि भैया, जब तक अन्य किसान सब्जियों का चुनाव कर रहे होंगे तब तक हमने आपको जानकारी जो दे चुके हैं, आप अगर उस जानकारी को लेकर अपने खेतों में उन सब्जियों को लगा लेते हो भैया, तो जब तक अगला किसान अपने खेतों में इसको लगाएगा तब तक आपका पौधा ग्रोथ कर चुका रहेगा। जब आपका पौधा ग्रोथ कर चुका रहेगा तो उस टाइम आप देख सकते हो, जब उसका पौधा ग्रोथ करेगा तब आपके पौधे में फल फूल की मात्रा लग चुकी रहेंगी, तो जिससे आपको मंडियों में अगैती सब्जियों को लेकर आप पहुँच सकते हो भैया। जब आप अगैतियों में सब्जियों को लेकर पहुँच सकते हो तो उस टाइम पर आप देखते हो मंडियों में शॉर्टेज रहती है सब्जियों की, क्योंकि आपकी सब्जी जो जाएगी वो नई सब्जी रहेगी और नई सब्जियों का डिमांड मंडियों में हमेशा लगातार बना रहता है। तो भैया, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे भैया, जिसको आप फरवरी 2024 में अगर आप लगा लेते हो भैया, तो इससे आपको बहुत ही मोटा अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा भैया। तो कौन कौन सी वो सब्जियाँ हैं, कैसे उसको अपने खेतों में लगाना है, तो इस वीडियो को भैया पूरा देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में आज बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी फसल लगाएं। तो भैया, जैसे कि फरवरी महीना चल रहा है, इसमें गर्मियों के मौसम में जो लगने वाली नई सब्जियां होती हैं उनकी बुआई शुरू हो जाएगी। तो भैया, नई सब्जियों की बुआई करना है आपको और सोच रहे हो कि हाँ, इस साल 2024 में हम बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे जिससे हमारा जो घर गृहस्थी है वो ठीक तरीके से चल पाए, तो उसके लिए भैया आप सबसे पहले बोड़ा यानी लोबिया, जिसको बोलते हो बोड़ा बोलते हो, आप उसकी खेती कर लीजिए। बोड़ा की अगर खेती भैया आप करते हो तो भैया बोड़ा की पकड़ मंडियों में देखते हो कि 70 रुपये से लेकर 80 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलता है भैया थोक भाव में। जी हाँ भैया, थोक भाव में शुरुआती टाइम पे 70-80 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका रेट मिलता है। वहीं पर जब सभी किसान भाई हमारे तैयार कर लेते हैं तब भी इसका रेट कितना भी कम होता है तो 30 रुपये पर किलो के हिसाब से तब भी ये रेट देता है। तो भैया, आप बोड़ा की खेती फरवरी महीने में कर लीजिए। तो आपको कौन से बोड़ा का चुनाव करना है अपने खेतों में लगाने के लिए, तो भैया अगर आप झालर वाली, जिसको बांस और तार के माध्यम से आप चढ़ा सकते हैं, अगर आप उसको लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भैया बीएनआर कंपनी का जापानी लाल दाना आता है। जी हाँ किसान भाई, बीएनआर कंपनी का जापानी लाल दाना के नाम से आता है, आप इस हाइब्रिड किस्म को लगा लीजिए भैया। इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और साथ में इसका जो साइज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसका जो बोड़ा होता है वो काफ़ी ग्रीन होता है। इसके जो दाने होते हैं भैया वो थोड़ा लाल होते हैं, इसलिए इसका पकड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास बांस और तार की समस्या आ रही है कि आप बांस और तार के माध्यम से नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भैया आप जो स्टैंड वाले बोड़े आते हैं, जो छोटे पौधे में रह जाते हैं, आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो बीएनआर कंपनी का काशी निधि आता है, आप उसका भी चयन कर सकते हो, या फिर भैया बीएनआर कंपनी का काशी कंचन के नाम से आता है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हो। इन 3 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का आप चयन कर लीजिए भैया। इसमें बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिलता है भैया। जिसने भी इसको लगाया भैया वो तोड़ते तोड़ते थक गया है, लेकिन उत्पादन कम नहीं हो पाया है। तो इसका जो साइज होता है भैया जापानी लाल दाना के बराबर में इसका भी साइज होता है, उससे थोड़ा ये छोटा होता है हमारा ये काशी निधि और काशी कंचन। तो आप इन 3 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन जरूर कर लीजिए भैया, अगर आप फरवरी 2024 में मोटा पैसा कमाना चाह रहे हैं तब। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया करेला। जी हाँ भैया, आप अगर करेले की खेती कर लेते हो भैया तो इससे भी आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया, अगर आप करेले की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको
कुछ हाइब्रिड किस्मों के बारे में हम बतला दे रहे हैं, जिसकी अगर आप खेती करते हो भैया तो इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आप सही बीज का चुनाव करेंगे तभी आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, और जब आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा तभी आपको मोटा पैसा कमाने के लिए भी मिलेगा। हो सकता है कि आप जब मंडियों में लेकर जाएँ तो उस टाइम इसका रेट कम हो, लेकिन बीच में मंडियों में देखते हो आप शॉर्टेज आ जाता है, माल नहीं निकल पाता है, तो उस टाइम मंडियों में शॉर्टेज रहता है तो उस टाइम रेट ज़्यादा रहता है। तो आपको उन हाइब्रिड किस्मों को लगाना है जो लगातार तुलाई में आए। तो भैया आपको जो करेला लगाना है वो BSF कंपनी का, नूनहेंस का, अमन सीरी के नाम से आता है भैया। आप उस करेले का चुनाव जरूर कर लीजिए भैया जो BSF कंपनी का आता है, अमन सीरी के नाम से। ये करेला भैया दांतेदार में है, आप इसका चुनाव करते हो भैया तो इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका जो साइज होता है वो लगभग 6 से 7 इंच होता है, तो आप इसका चुनाव कर लीजिए। या फिर भैया जो BNR कंपनी का सागर के नाम से आता है, आप उस करेले का भी चयन कर सकते हो, इसमें भी उत्पादन बढ़िया है। ये भी दांतेदार करेले हैं, आप इसको चाहे तो तार और बांस की सहायता से आप ऊपर चढ़ा सकते हैं या फिर ज़मीन में ऐसे सिंपल छोड़ सकते हैं। नीचे आप कुछ जैसे पैरा हो गया, इन सबको आप बिछा कर नीचे आप छोड़ दीजिए, ज़मीन पर भी पैदावार देंगे। या फिर आप झालर पे इसको सोच रहे हो तो झालर पे भी आप इसको चढ़ा सकते हो। या फिर भैया जो ईस्ट बिस्ट कंपनी का प्राची के नाम से आता है, आप उसका भी चयन कर सकते हो भैया, अपने खेतों में लगा सकते हो। तो भैया इन तीन वैरायटियों में से आप किसी एक वैरायटी का चयन कर आप करेले की खेती कर सकते हो। लेकिन भैया आपको फरवरी महीने में 15 तारीख के पहले पहले इन सब्जियों का चुनाव जरूर कर लेना है, क्योंकि भैया फरवरी के लास्ट सप्ताह तक सभी किसान भाई इसका चयन करना शुरू कर देंगे, तो आपको उनसे पहले पहले इन सब्जियों का चुनाव कर लेना है। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो भैया खरबूजे की खेती। जी हाँ भैया, आप खरबूजे की खेती कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया आप अगर खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा खरबूजा लगाना है, तो भैया जो निर्मल सीड्स के नाम से आता है 24 नंबर खरबूजा, आप इसको लगा सकते हो भैया। इसका जो साइज होता है वो लगभग 1/2 किलो से लेकर 1.25 किलो तक का इसका साइज होता है, तो इसका जो पकड़ होता है भैया वो मंडियों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप निर्मल खरबूजे का चुनाव कर लीजिए। या फिर भाई नोबेल कंपनी का सुभी के नाम से आता है, आप इसका भी चयन कर सकते हो भैया। ये भी खरबूजा बहुत ही अच्छा है, ये भूरे रंग वाला खरबूजा है, जैसे बॉबी वाला आता है वो सेम वही खरबूजा है, तो इसका भी पकड़ मंडियों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है भैया। इसका जो साइज होता है, इसका भी जो साइज रहता है वो सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो मिठासपन होता है भैया वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो डिमांड रहता है मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है नोबेल खरबूजा, जो हमने आपको सुबे के नाम से बताया भैया। इसको अगर आपने लगा लिया भैया तो ये मान के चलिए कि आप 2024 में अगर इसको लगा लिया है ना, तो आप 2 महीने बाद जब इसको मंडियों में लेके जाओगे भैया ना, तो ऐसे ऐसे कर नोट को गिनोगे भैया बिल्कुल। तो हमारे कहे अनुसार आप पक्का खरबूजे की खेती कर लीजिए भैया, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, फिर पछताए कुछ नहीं होने वाला है, तो पछताइएगा मत, आप खरबूजे की खेती कर लीजिएगा। या फिर आप भैया जो हम अगली वैरायटी बता रहे हैं खरबूजे की, वो है भैया यूनिसेन का 003 करके आता है, आप उसका भी चयन कर लीजिए। इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड देखे हैं मंडियों में होता है भैया, इसमें भी पैदावार ज़्यादा है। इसका जो वज़न होता है वो 1 पाव से लेकर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये 400 ग्राम 500 ग्राम 700 ग्राम के आसपास भी इसका वेट देखने के लिए मिलता है। तो आप इन वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर भैया आप खरबूजे की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया भिंडी। जी हाँ भैया, आप भिंडी की खेती जरूर करिएगा, क्योंकि भैया भिंडी की पकड़ आप देख सकते हो कि फरवरी महीने से बुआई इसकी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद इसकी बुआई मई जून तक चलती रहती है। तो भैया अगर आप अगैती में भिंडी की खेती कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको भिंडी कौन सी लगानी है, तो एडवांटा गोल्डन कंपनी की जो भिंडी आता है, आप उसमें जैसे कि राधिका है आप उसका भी चुनाव कर सकते हो भैया, या फिर जो नाभ्या आता है आप उसका भी चुनाव कर सकते हो भिंडी की खेती करने के लिए। या फिर जो सिजेंटा कंपनी का 940
OH 940 आता है, आप इसका भी चयन कर सकते हो भैया, इस भिंडी का भी चयन कर सकते हो अपनी खेती करने के लिए। तो आप इन तीन वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए भैया। इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसका जो साइज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसका कलर एकदम ग्रीन होता है। उत्पादन के मामले में तो ये सभी को पीछे छोड़ रखे हैं। आप इनमें से तीनों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर आप अपने खेतों में भिंडी की बुआई जरूर कर लीजिए। फरवरी महीने में 15 तारीख के पहले पहले अगर देख लीजिए, मौसम आपका सफा है, धूप निकल रही है, तो आप 15 तारीख से पहले पहले भिंडी की बुआई जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया नेनुआ और तोरई, जिसको आप लोग बोलते हो, गिलकी भी बोलते हो, आप उसकी भी खेती कर लीजिए भैया। इसका भी जो डिमांड रहता है मंडियों में वो लगातार बना रहता है, क्योंकि गर्मियों के समय में ठंडे वाले आइटम का पकड़ ज़्यादा रहता है, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, नेनुआ तरोई हो गई, इन सब का पकड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि आप नेनुआ और तुरई की खेती कर रहे हो भैया, तो आपको हम हाइब्रिड किस्मों के बीज के बारे में बतला दे रहे हैं। आप इन दो हाइब्रिड किस्मों को अगर आप लाकर लगाते हो भैया, तो इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसको हम हर साल अपने खेतों में लगाते हैं। तो हमने तो लगा दिया है, हमने जनवरी महीने में इसको बुआई कर दिया है। आप लोगों को बताए थे कि जनवरी महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी तक इसकी बुआई नहीं किया है भैया, तो आप फरवरी महीने में बिना लेट किए हुए 15 तारीख से पहले पहले आप इसकी बुआई कर लीजिए भैया, क्योंकि इसकी बुआई फरवरी महीने से स्टार्ट होती है, इसकी भी बुआई मई जून तक चलती रहती है नेनुआ और तुरई की। तो आपको जो हाइब्रिड किस्में लगानी है वो भैया आपको जो BNR कंपनी का आलोक आता है, ये प्लेन वाला नेनुआ होता है, आप इसकी खेती कर सकते हो। अगर आपको प्लेन वाला नहीं लगाना है, आपको धारियों वाला लगाना है, तो BNR कंपनी का आरती के नाम से आता है, आप उसकी भी खेती कर सकते हो। इसको तुरई बोलते हैं, जो प्लेन होता है उसको नेनुआ बोलते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक वैरायटी का चयन करके भाई अपने खेतों में लगा लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि देख सकते हो भैया, ये हमने अपने खेतों में नेनुआ लगा रखा है, ये हमारा प्लेन वाला है जो BNR कंपनी का आलोक आता है, हमने इसको पूरे खेत में लगा रखा है। तो अभी ये देख सकते हो, ये मटर लगाए हैं, मटर हमारा हट जाएगा एक महीने में, ये उसके बाद हमारा ये नेनुआ तैयार हो जाएगा। कि जैसा कि आप लोग इसमें भी देख रहे हो, ये हमारा नेनुआ तैयार हो रहा है पूरा। तो आप नेनुआ या तुरई की खेती जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी भैया। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया ना तो फटाफट दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको खेती से संबंधित छोटी व बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ हम समय समय पर बतलाते रहेंगे। आने वाले टाइम से पहले हम आपको जानकारी दे देंगे कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जी का बुआई करना है, या फिर आपके कौन से समय में कौन से पौधे में कौन सा रोग आता है, उसके लिए आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।